नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वही आपका पढ़ेंगे, आपका एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे, प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार का, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार द्वारा किताब लिखे गए। इस किताब से हम लोग जो है सिर्फ आपका क्वेश्चन और जो भी आपका राइट ऑप्शन है उसी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक और प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और आपका जो भी राइट आंसर ऑप्शन है पूरा ऑप्शन पढ़ा है, ठीक है। इसमें सिर्फ राइट ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 1 का प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः ऑप्शन में सी 40,000 ईसा पूर्व से बीसी। क्वेश्चन 2 है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुआ ऑप्शन में डी 1, 2, 3 कुल्हाड़ियों का फलक, चाकू एवं कुर्पी और मृद भांग। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुंगेर एवं नालंदा से। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के, ऑप्शन नंबर पूर्व प्रस्तर युग के। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में चिरांग सारण एवं केचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर डी नव प्रस्तर युग से। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो ऑप्शन नंबर डी उत्प्रीत सभी से, चिरांग सारण, चेचर वैशाली और सोनपुर में मंदिर से। आपका क्वेश्चन नंबर है, ऐतिहासिक काल का आरंभ, ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से हुआ, उसका क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः ऑप्शन सी उत्तर वैदिक में। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था ऑप्शन बी लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रुति एवं श्रुति तथा किरवंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे, ऑप्शन सी मगध तथा विजय एवं लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विजय राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता, ऑप्शन में से शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, ऑप्शन नंबर सी बागत का। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, ऑप्शन नंबर सी विदेह। क्वेश्चन नंबर 7 है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर बी मगध। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, ऑप्शन नंबर डी विदेह। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, ऑप्शन नंबर डी शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका महाजनपद से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, महाजनपद का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इसमें इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे, ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, ऑप्शन सी वत्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, ऑप्शन सी भागलपुर में मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग महाजनपद की राजधानी थी, ऑप्शन डी चंपा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था, ऑप्शन नंबर बी मगध। क्वेश्चन नंबर 6 है, मगध महाजनपद की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर गिरिराज राजगीर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी, ऑप्शन नंबर सी चंपा नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, ऑप्शन सी ऑप्शन बी बज्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी चेदी आपका सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, बज्जी संघ की राजधानी थी, ऑप्शन बी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में कंट्रोल था, ऑप्शन बी बज्जी में। क्वेश्चन 12, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, ऑप्शन बी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ऑप्शन सी गिरिवज राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, ऑप्शन डी अंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, ऑप्शन बी लिच्छवी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन सी कुंडाग्राम में। क्वेश्चन 2 है, महावीर का जन्म स्थल कुंडाग्राम बिहार के किस जिले में, ऑप्शन बी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध, ऑप्शन सी बज्जी संघ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहता राजकुमारी थी, ऑप्शन बी लिच्छवी की। क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश किया था, ऑप्शन बी पावरपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर की मृत्यु निर्वाण होती, ऑप्शन बी पावरपुरी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में था, ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम जैन संगीति के दस्ता
किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी अस्तुल बद्रे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणायन किया गया एवं जैन धर्म के दो भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 11 नंबर, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी चंपा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वैशाली के समीप अलाक लाम के आश्रम में। निश आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? ऑप्शन नंबर गुरुबेला बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन बी निरंजना नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? ऑप्शन बी बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह सूत्र और विनय पिटक में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे? ऑप्शन में बौद्ध धर्म दो भागों स्थापित और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में, इसमें किए गए कार्य थे? ऑप्शन बड़ी कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक संकलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? ऑप्शन बड़ी विपरीत सभी बोधगया राजगीर वैशाली। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित है ऑप्शन बड़ी उपयुक्त सभी बाढ़ अग्नि और आंतरिक कला। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था ऑप्शन में नालंदा में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका मगध साम्राज्य का उत्थान से, तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया था ऑप्शन में मगध को। क्वेश्चन नंबर 2 है, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी थी ऑप्शन में राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था ऑप्शन में बृहदत्त वंश। क्वेश्चन नंबर 4 है, मगध जनपद का संस्थापक था ऑप्शन में बृहदत्त तथा जारासिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था ऑप्शन में बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे? ऑप्शन में हरियंत वंश। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष प्रारंभ हुआ ऑप्शन बी बिंबिसार के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी से विवाह किया? ऑप्शन बी उपयुक्त सभी से कौशल देवी चेलना और खेमा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ऑप्शन बी अंगकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियंक वंश का दूसरा शासक था ऑप्शन बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजगिरी में दुर्ग तथा अस्तूप की स्थापना मगध किस शासन की? ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था ऑप्शन बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध से चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर सी वैशाली की। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी के सामने। 15 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में? ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6 शताब्दी में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन बी उदयन ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? ऑप्शन बी ऑप्शन उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियंक वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन बी नागदशक। 19 है, हरियंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित की गई? ऑप्शन बी शिशुनाग वंश। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज रायगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन बी शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर सी कालासुर। क्वेश्चन 22 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर डी कालासुर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली। क्वेश्चन 24 है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए सावा कबीर। 25 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंद महापद्म ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, मगध के किस शासक को कलिकांश परशुराम अवतार क्षत्रियो का नाशक सर्वक्षत्रांतक एक छत और एक राज कहा गया? ऑप्शन बी महापद्मनंद को। 27 नंबर, नंद वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर सी धनन। 28 है, प्रथम बौद्ध संगीत का शासन आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन बी अजातशत्रु। 29 है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहा हुआ था ऑप्शन बी राजगिरी गिरिव्रज में। 30 नंबर है, प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बी महाकाश्यप। 31 है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी महापद्मनंद ने। 32 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन बी विग्रहानंद। 33 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बचाया था? ऑप्शन बी उदयन ने। 34 है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित करना
तथा किलो को सज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। ऑप्शन बी वैशाली के विजयों के मौर्य सम्राट से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मौर्य सम्राट का, तो मौर्य सम्राट का संस्थापक था ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर टू है मौर्य सम्राट की राजधानी थी ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर थ्री है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की ऑप्शन ए चाणक्य विष्णुगुप्त के। क्वेश्चन नंबर फोर है मौर्य सम्राट की स्थापना ऑप्शन बी 320 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर फाइव है यूनानी दूत मेगास्थनीस किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका मेगास्थनीस का पाटलिपुत्र आगमन हुआ ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर सात है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीस को भेजने वाला शासक था ऑप्शन बी सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर एट है किस शासक के शासनकाल में के समय मगध पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन आपका नौ है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था ऑप्शन बी चाणक्य। क्वेश्चन आपका टेन है किससे मुक्ति दिलाने के लिए जाने का चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है ऑप्शन बी यूनानियों से। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है ऑप्शन बी इंडिका में। क्वेश्चन आपका बारह है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के शासक किस वंश राजवंश से शासक किया ऑप्शन बी मौर्य वंश। तेरह नंबर है मगस्थानी मेगास्थानी की पुस्तक का नाम क्या ऑप्शन बी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 14 है राजशास्त्र के लिखक के ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। क्वेश्चन 15 है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है ऑप्शन सी मेगास्थली। क्वेश्चन नंबर 16 है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना ऑप्शन बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 17 है किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल बसता था ऑप्शन बी बिंदुसार। 18 है अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है ऑप्शन सी शिलालेख 13 में। क्वेश्चन नंबर 19 है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में। 20 नंबर क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत का दस्तक किसने की ऑप्शन ए मुगलीपुत्र ने। 21 है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। 22 है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ ऑप्शन बी 251 ईसापुर में। क्वेश्चन 23 है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की ऑप्शन सी अशोक। 24 है किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जनमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी ऑप्शन ए कलिंग ने। 25 में क्वेश्चन है अशोक का धर्म था ऑप्शन नैतिक आचार संहिता। 26 है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ थी ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। 27 है अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की ऑप्शन सी बोधगया की। 28 में क्वेश्चन है अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राजाभिषेक के किस वर्ष में की थी ऑप्शन बी 10वें वर्ष में। 29 में क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ ऑप्शन सी चंपारण से। 30 है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है ऑप्शन नंबर सी रुमिंदई। तो आपका लौरिया अराराज लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा है। 31 में क्वेश्चन है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें एक प्राची या प्राचीन प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 32 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ऑप्शन सी लकड़ी का। क्वेश्चन आपका 33 है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था ऑप्शन नंबर कुमरहार पटना में। 34 है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी साधन शौकत का मुकाबला न तो सूसा न एक वेतना कर सकते हैं ऑप्शन सी अरियन ने कहा था। 35 है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृत नहीं है वर्णन देवों द्वारा निर्मित था ऑप्शन बी फाहियान ने कहा था। 36 है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था ऑप्शन सी अशोक ने। 37 है गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था ऑप्शन बी दशरथ ने। क्वेश्चन आपका 38 है मौर्यकालीन चमार ग्राहिणी याची प्राप्त हुई है ऑप्शन दिजागंज पटना में। 39 है बिहार के किस स्थान में मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई ऑप्शन बी लोहानीपुर पटना में। 40 है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुधारता का वर्णन किया ऑप्शन बी मेघाचरी ने। 41 है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपने राजधानी बनाया ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन आपका जो 42 है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। 43 किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा था ऑप्शन बी बिंदुसार। 44 है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली रोहतक पाटलिपुत्र नामक उपनाम धारण किया था ऑप्शन बी स्ट्रैबो। 45 यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था ऑप्शन बी बिंदुसार। 46 है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया ऑप्शन डी भावरु स्तंभ। 47 है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था ऑप्शन बी आजीविकों ने। 48 है अशोक की राजधानी कहाँ थी ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में।
49 में कोचीन मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में गठन करी थी। यह कथन किसका? ऑप्शन सी मेगास्थनीज का। 50 से मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी उपयोग सभी। यह केंद्रीकृत थी, करोध का बोझ अधिक था, कर प्रशासन तंत्र कठोर था। 51 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बड़ी उपयोग सभी सही है। उसने विजय धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों में संबंध स्थापित किया और उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। 52 है, देवनाम पिया के नाम से किस शासक ने अपना आपको संबोधित किया? ऑप्शन बी अशोक ने। 53 है, धम्म महामत के कार्य क्या थे? ऑप्शन बी उपयोग सभी। धम्म नीति का या क्रियावान लोगों के बीच दान वितरण जन कल्याण के उपाय। 54 है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग का कार्य था? ऑप्शन बी उपयोग सभी, ग्रामीण प्रशासन, न्यायिक और राजस्व का विभाग। 55 है, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? ऑप्शन बी 1, 2, 3 कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष। क्वेश्चन आपका 56 है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन बी 1, 2, 3 तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यछी और बाबर की गुफाएं, आपका तीनों सही है। 57 है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, सातवें शिलालेख से, द्वितीय स्तंभलेख से और द्वादश शिलालेख से। क्वेश्चन आपका जो है 58 है, अशोक के किस अभिलेख में दान एवं दान और धाम धम दान के अंतर में को स्पष्ट किया गया? ऑप्शन सी नवम शिलालेख में। 59 है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण सम्मिलित है? ऑप्शन सी आर्थिक संकट। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, मौर्य बिहार से तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन बी शुंग वंश का। क्वेश्चन 2 है, शुंग वंश का संस्थापक था? ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन 3 है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने। क्वेश्चन 4 है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में समय हुआ? ऑप्शन बी शुंग वंश के। क्वेश्चन 5 है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था? ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने। 7 है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन सी कर्ण वंश। 8 आपका, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन डी वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्ण वंश की सत्ता स्थापित की? ऑप्शन आंध्र सातवाहनों ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं का शासन हुआ? ऑप्शन बी मिश्र वंश का। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी संबोधगया से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रसिद्ध किया? ऑप्शन डी पार्श्वकोश को। 13 है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश की श्रेणी में? ऑप्शन सी हरियंगवंश, सुनारवंश, नंदवंश, मौर्यवंश, कण्ववंश। 14 है, शुंग वंश की राजधानी थी? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आपका 16 है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया तो ऑप्शन नंबर ए तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 17 नंबर, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया? ऑप्शन बी अंग्रेज मगध से। 18 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा? ऑप्शन बी लिच्छवियों का। 19 नंबर क्वेश्चन है, कार्तिक संहिता में पाटलिपुत्र पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में? ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग का। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रथम प्रसिद्ध देने वाला शासक था? ऑप्शन बी कनिष्क ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका गुप्तकालीन बिहार के बारे में जो भी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम का राजाभिषेक हुआ था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राजाभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? ऑप्शन बी 326 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन 4 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 5 है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय जाता है? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन 7 है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया के में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 9 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी गुप्तवंश। क्वेश्चन नंबर 10 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन डी कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोधगया के सहयोग बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? ऑप्शन सी गुप्तकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ऑप्शन सी 3 साल तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र से। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकाल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस किले जिले में से प्राप्त हुई? ऑप्शन डी शाहबाद से। क्वेश्चन आपका 5 है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन डी सुल्तानगंज से। क्वेश्चन 16 है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर में खोदे हुए गणेश विष्णु तथा नाग नगिनों के चित्र है, यह किस काल के? ऑप्शन सी गुप्तकाल के। क्वेश्चन 17, राजगीर में स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ऑप्शन बी गुप्तकाल में। क्वेश्चन 18, तिरुभुक्ति आदम धर्मंगा का राज्यपाल था? ऑप्शन बी गोविंदगुप्त।
19 है बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, ऑप्शन में नालंदा। 20 है नालंदा विश्वविद्यालय किससे प्रसिद्ध था, ऑप्शन में सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 20 में नालंदा में अवस्थित, तो नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाइजान किसके शासन के दौरान आया था, ऑप्शन में सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 22 है किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी गई थी, ऑप्शन में सी फाइजान। 23 है गुप्त संबंध का आरंभ होता, ऑप्शन में सी 320 में। 24 में क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में किससे भारत का नेपोलियन कहा जाता, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। 25 है सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किसी गुप्त सम्राट ने की, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। 26 है प्रयाग प्रशस्ति का जीता कौन था, ऑप्शन सी हरिसेन। 27 है किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। 28 है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट को विजय अभियानों की चर्चा है, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। 29 है गुप्त सम्राट के पतन का कारण क्या था, ऑप्शन सी 1, 2, 3 गुणों का आक्रमण, प्रशासन का समंत स्वरूप और कमजोर शासक। 30 है मगध पर मेहरकुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ, ऑप्शन बी नरसिंहगुप्त। 31 है गुप्तकाल विज्ञान के विकास का स्वर्णिम था, इसमें योगदान है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 बारह मीर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन आपका 32 है, सॉरी नेक्स्ट आपका मगध के परवर्ती गुप्त शासक, तो इसको इसी वीडियो में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक था, ऑप्शन में कृष्णगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखिक शासक को पराजित किया, ऑप्शन बी कुमारगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 है मौखिक शासक ने किसे पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया, ऑप्शन बी दामोदरगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है हर्षवर्धन ने किससे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था, ऑप्शन डी माधवगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 5 है हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका आंसर किया ऑप्शन नंबर सी आदित्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध का आयोजन किया था, ऑप्शन नंबर ए आदित्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन बी जीवित गुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8 है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य के शत्रु का विजेता कहा गया, ऑप्शन नंबर कृष्णगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 है मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों का सम्मिलित कीजिए, तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2, 4, 3, 1। ठीक है, तो हर्ष गुप्ता फल वीर योद्धा, कुमार गुप्ता का महाराजा दिराज, जीवित गुप्ता का हो जाएगा राजाओं के सिरमौर क्षितिज चूड़ामणि, आदित्य सेन आपका हो जाएंगे परम भट्टारक महाधिराज। निश आपका क्वेश्चन नंबर 10 है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट हिमालय के शत्रु को जीता था, ऑप्शन नंबर डी जीवित। क्वेश्चन नंबर 11 है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत सम्राट स्थापित करने वाला प्रथम शासक था, ऑप्शन नंबर आदित्य सेन। क्वेश्चन 12 है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेन भारत की यात्रा पर आए, ऑप्शन नंबर डी आदित्य सेन। 13 नंबर है मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या, तो ऑप्शन बी कुमारगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, उसके बाद आपका दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त और देव माधवगुप्त और आपका देवगुप्त और माधवगुप्त और आदित्य सेन। कुछ आपका गुप्तोत्तर और गुप्तोत्तर युग और बिहार से, तो वन का पहला क्वेश्चन है चीनी यात्री अहिर सिंह बिहार का भ्रमण किया, ऑप्शन नंबर सी 673 ईस्वी में। कुछ आपका नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय में बिहार के राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3 चीनी यात्री अहिर सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 4 अहिर सिंह ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की, ऑप्शन मेरे 635 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोधगया के महाबोधि वृक्ष को 3695 शासक था, ऑप्शन सी शशांक। पालकानी बिहार से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो पहला क्वेश्चन है अरविंदपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित था, ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन 2 है पाल वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन बी गोपाल। क्वेश्चन 3 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, ऑप्शन बी धर्मपाल। क्वेश्चन 4 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की, ऑप्शन बी सी पाल वंश। क्वेश्चन 5 है आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, ऑप्शन डी भागलपुर में। क्वेश्चन 6 है नालंदा महाविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था, ऑप्शन बी हर्ष धर्मपाल और देवपाल। क्वेश्चन 7 मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, ऑप्शन बी जो है देवपाल। क्वेश्चन 8 है पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, ऑप्शन ए महायान संप्रदाय को। 9 है किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापना करवाया था, ऑप्शन सी देवपाल। क्वेश्चन नंबर 10 है नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया, ऑप्शन नंबर धर्मपाल। क्वेश्चन 11 है किस शासक ने उदंतपुरी बिहार क्षेत्र में बौद्ध विहार की स्थापना करा, ऑप्शन गोपाल। क्वेश्चन 12 है किस काल में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण में एक उन्नत शैली का विकास
किया गया था विकास हुआ गया था। अब तो ऑप्शन नंबर डी आपका पाल युग में, कुछ आपका 13 बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नति शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी ऑप्शन बी धीमन एवं बिटपाल की। 14 नंबर है पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटपाल कहां से निर्मित थे ऑप्शन सी नालंदा के। 15 में क्वेश्चन है पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांची में ढली, इसका इसका साक्ष्य मिलता ऑप्शन में नालंदा एवं कुकरिहार गया से। 16 नंबर क्वेश्चन है पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटपाल समकालीन थे ऑप्शन में डी धर्मपाल एवं देवपाल के। 17 में क्वेश्चन है चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहसारिक प्रज्ञा परित और पंचरक्षस किस युग के ऑप्शन में सी पाल युग के। 18 है पालकालीन चित्रकला का पीटी चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ ऑप्शन में डी नालंदा से। क्वेश्चन 19 है पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते तो ऑप्शन में पाटलिपुत्र से। 20 नंबर क्वेश्चन है पाल काल में श्रीनगर पुक्ति कहा जाता था ऑप्शन में डी मगध को। क्वेश्चन 20 है देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी कहां विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था ऑप्शन बी नालंदा में। नेक्स्ट आपका मिथिला के कर्नाट शासक का कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ ऑप्शन में रामपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था ऑप्शन बी नन्देव। क्वेश्चन नंबर 3 है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी ऑप्शन डी सिमरागौन सिमरागढ़। क्वेश्चन 4 है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन बी हरि सिंह। क्वेश्चन 5 है कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ ऑप्शन मेरे 1678 ईस्वी तक, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 6 नंबर है बिहार में किसके समय में पंजी प्रथा का विकास हुआ था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मेरे कर्नाट वंश कर्नाट शासक। क्वेश्चन नंबर 7 है तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरुत आया था ऑप्शन बी 1234 ईस्वी में। 8 है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राजपाल किसका शासन था ऑप्शन मेरे नरसिंह देव का। क्वेश्चन नंबर 9 है तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था ऑप्शन डी धर्मस्वामी राव मुल्ला तक धर्मस्वामी मुल्ला तक। 10 है तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था ऑप्शन बी राम सिंह देव। क्वेश्चन 11 कर्नाट शासकों के में कौन एक महान समाज सुधारक था ऑप्शन बी हरि सिंह देव। क्वेश्चन 12 पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से जो है विद्रोह हुआ तो ऑप्शन सी हरि सिंह देव के समय में, ठीक है। इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो, तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, ठीक है।